मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाहूंगा। कह दो। हाँ बोलो। किरण, तुम प्लीज मुश्ता के पास जाओगी? You actually fell for it. इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं थी। बराबर। तुम डेनिस को कितनी देर में ला रहे हो? तकरीबन आधे घंटे। ओके चलो। ओके बाय। अच्छा सुनो, सॉरी मुझे तुम पे हंसना नहीं चाहिए। नो इट्स ओके। अक्सर लोग अपने वहम पे परेशान होते, तुम खुश हो रहे, अच्छी बात। आने से पहले मुझे मैसेज करते ना, मैं उसका मुंह पहुंचता हूँ। तुम्हें अंदाजा है ना क्या कि इस सब के बाद डेनिस मेरी असलियत जान जाए? हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, मुझे दुख हो। इतने दिनों बाद मेरी कोई दोस्त बनी थी अब वो। प्लीज डेनिस तुम्हारी दोस्त नहीं है। रियली मैं उसकी दोस्त कभी भी नहीं थी। whatever। सुनो रुको जरा। अच्छा देखो, अगर तुम ये सब कुछ नहीं करना चाहती तो मत करो। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं। इट्स ओके। अब इस सारे किस्से को ही खत्म करना चाहती हूँ, अब एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। तुम्हें तुम्हारी डेनिस मिल जाएगी और मुझे मेरी सरफेस पे दोस्त तो फिर भी मिलते रहते। मुश्तबा, तुम यहाँ? शरण, I swear यार, मुझे आज यकीन हो गया कि बातों में तुम्हारे को भूल गया। मुझे तुम्हारे बारे में सोच रहा था। आओ बैठो ना। मेरे बारे में? कहते हैं ना, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो मैं आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ। एक ऐसी दोस्त जिसके साथ मैं बात कर सकता हूँ, जिसने बदले में कभी मेरा पुरानी सोच नहीं। मस्का क्यों लगा रहे हो? मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, कोई भी अच्छी नहीं। अच्छा तो मेरे यहाँ का नंबर किसका पहुँच गया? इस हिसाब से तुम्हें जिन भूत भी हो सकती हूँ। वो क्या कहते हैं, शैतान को याद किया, शैतान हासिल। इस वक्त मुझे दोस्त की बहुत दिन तरह से बोलती है। मेरी दिन से लड़ाई होगी उनसे। जब से मेरी शादी हुई उस पर लाइन मारता है यार, खुल्लम खुल्ला। और तो हाँ, उसकी माँ भी साथ में शामिल होगी इसमें रेस के। इसलिए मैं अपने अलग कमरा लूँ। मैं जॉब से भी रिजाइन कर दूंगा। मैं
सही मशवरा देती हूँ, बताओ मैंने सही किया ना? हाँ मैं क्या कह सकती हूँ, मैंने तुम्हें पूरी बात बताई भी नहीं है, ऐसी हरकत की जो मुझे बताते हुए शर्म आती है। मुझ पे हार रहा है, अभी मुझे पता है मैंने बहुत बुरी बात की होगी, लेकिन तुम भी किसी बीवी को अपने शौहर को तो नहीं हाथ उठाना चाहिए। इसके बाद में उसके साथ कैसे रह सकता हूं? नहीं तो मुश्तबा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं चलती हूँ। वो तो मुझे बताओ तो सही है, मैंने सही किया कि नहीं? हम बाद में बात करेंगे। बात क्यों तबीयत ठीक नहीं? मुश्तबा मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा सोचती थी कि कोई बिला मुझे शक क्यों करेगा, कोई ना कोई वजह तो होगी ना। हाथ से बचाइए मुझे तुम्हारी वजह। डिनीज ऐसा नहीं है जैसा लग रहा है यार, ये तो सैड पार्ट इज मुज्तबा। मैं सोची थी कि तुम घर आओगे और मैं अपोलोजाइज करूंगी, बट नाउ यू मेक श्योर कि तुम घर नहीं आओ। मैं नहीं घर आऊंगा यार, कितनी बात सुन रही है, झूठी बोले, मेरे सिर्फ दोस्त है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं उसका मुंह पोंछ रहा था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, और वो जो हमारे घर आती है? गाइस क्या तुम दोनों ने सड़क पे तमाशा बनाया है? चलो डेनिस घर चलो। कहां से आ गई? हमारी मर्जी, हम जब मर्जी बात करें। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। यू मेक मी सिक, नहीं करनी मैंने तुमसे कोई बात। चलो शमे डेनिस। किरण, किरण प्लीज मेरे साथ चलो यार, तो पता नहीं क्या समझ रही है। आओ तो चलिए। अभी भी यकीन नहीं आ रहा सुमरे, मुझ तुम्हें ऐसा नहीं है। डेनिस तुमने अभी अपनी आंखों से देखा है, अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो पता नहीं कब यकीन आएगा। यकीन आ रहा है, but all he was doing was wiping her face, right? डेनिस उस लड़की के दोनों हाथ टूटे नहीं है, she can wipe her own face. और तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा ना? क्या है ये? देखो ना, What the hell is this? मैंने कई बार उन दोनों को साथ देखा। I took some pictures. एक दफा मैंने मुश्तबा को कंफ्रंट भी किया, कौन है ये लड़की? कहा कि मेरी पुरानी दोस्त है। So you spoke to Mujtaba about this and you never told me? Why? Because I didn't want to hurt you, yeah. Oh, and listen, I had to talk to him. I wanted to know what's going on. Oh my God.
Listen, just give me a minute. Can I have my phone? Yes, you can have the damn phone. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तुम कम से कम उसको मुझे तो नहीं मिसअंडरस्टैंड करना चाहिए था ना तुमने भी तो किया था ना उससे साइलेंट सॉल्यूशन रेस की डेनिस को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है वही लेके आया होगा डेनिस को यहाँ पे पीछा कर रहा होगा मेरा तो डेनिस को किस तरह पता कि मैं कहाँ पे हूँ घटिया है यार जो इंसान अपने बचपन की दोस्त का घर तबाह करने पे तुला हो वो किसी का कैसा हो सकता है सॉरी यार सिचुएशन नॉर्मली वो ऐसा नहीं करती बल्कि उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता कि मैं किससे जाके मिलूं इसका कंधा जहन है जिसकी वजह से फंस गया हूं तुम फिक्र ना करो मैं तुम्हें इसको मना के समझा लो इट्स ओके मुश्तबा कोई बात नहीं इट्स नॉट ओके यार तुम मेरी दोस्त हो मैं नहीं चाहता कि तुम तक कोई उम्मीद है इससे क्या फर्क पड़ता है कैसे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें तुम्हारे बारे में कोई गलत सोचे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरी पोजीशन क्लियर कर क्या तुम्हारी पोजीशन क्लियर हो जाएगी बाहर में गई मेरी पोजीशन मेरी माँ मेरी बहन मेरे मोहल्ले की लड़कियों के बारे में कोई भी गलत बात सोच मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इस मामले में बहुत चर्चा में चाहे पूरी दुनिया में ताकि हम उसको ना समझे हम पाकिस्तानियों को और कौन हम ऐसे ही हैं चाहे तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना फंस जाओ चाहे मैं मर भी क्यों ना अच्छा